वो सारी चीज़ें बताने वाली जो कोई भी नहीं बता रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाली वो सारी चीज़ें जो एक नए सेलर को जाननी चाहिए और ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं बता रहा है। स्पेशली जब मैं सर्च करती हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पर स्पेशली, तो मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं एक वीडियो बनाऊँ स्पेशली फॉर न्यू कमर्स इन द ऑनलाइन मार्केट। अगर आप नए नए हैं ऑनलाइन स्पेस में, स्पेशली आप अमेज़न सेलर हैं या प्राइवेट लेबलर हैं या फिर आपकी खुद की ब्रांड है और आपकी खुद की वेबसाइट है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रॉमिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे, लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज द नंबर वन प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। एंड मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है peoplegenics.com, आप उसको भी चेक कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पहली चीज, नंबर वन आइटम पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के बारे में जब बात आती है तो आप बॉक्स में पैकेज कर सकते हैं, आप पॉलिथीन या फिर श्रिंक रैप में पैकेज कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है आप बिल्कुल पैकेजिंग मत करो, बिना पैकेजिंग के बेचो। तो लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स। अगर आप बॉक्स में पैक करते हैं तो बॉक्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बॉक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये, जो बॉक्स हो वो स्टर्डी होना चाहिए, वो थिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप उसको रीयूज़ कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप स्पेशली अमेज़ॉन के वर्ल्ड में बता रही हूँ, जब प्रोडक्ट जो है आपका रिटर्नेबल होता है और आपका जो बॉक्स है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है, तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर कोई आराम से तो नहीं खोलेगा उसको, कस्टमर तो जस्ट खोलेगा उसको, फट रहा है तो फट जाए। उस केस में आपका बॉक्स ख़राब हो जाता है और क्या होता है कि वो आइटम जो है वो अनसेलेबल मार्क हो जाता है, फिर वो आपके पास आता है और उस केस में मे बी आपके पास में स्पेयर बॉक्स ना हो तो आप क्या करोगे? तो आपको बेसिकली वो पैकेजिंग लेस आपको सेल करना पड़ेगा या फिर आपको कोई और मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा जो है बॉक्स है वो अच्छी क्वालिटी का लीजिए, ताकि वो आपको अगर रिटर्न भी आता है आइटम तो वो रीयूज़ आप उसको कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द श्रिंक पैकेजिंग एंड द प्लास्टिक बैग पैकेजिंग। सो मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, सो दिस इज द प्लास्टिक बैग पैकेजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका FNSQ या बारकोड जो भी है वो लग जाता है, और अगर कस्टमर को वापस भी करना है तो वो सीधे इजीली इसके अंदर बॉक्स को डालेगा प्लास्टिक के अंदर और आपको सेंड कर देगा। लेकिन अगर श्रिंक रैप पैकेजिंग है तो वो कुछ इस तरह की हो जाती है। अब जब एक बार फट जाती है श्रिंक रैप तो वो दोबारा से पैकेज नहीं हो सकती। दूसरा, उसके ऊपर जो आपने FNSQ लेबल वगैरह लगाया है वो भी बेसिकली डिटैच हो जाता है। तो ये इन्वेंटरी 100% अगर रिटर्न आता है तो वो अनसेलेबल हो जाती है, अदरवाइज अमेज़ॉन को खुद से लेबलिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए दे कैन चार्ज यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप पैकेजिंग करते ही नहीं हो तो जब आप पैकेजिंग नहीं करोगे तो स्क्रैच होने के चांसेस होते हैं। कुरियर के अंदर अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस तो उस पर स्क्रैच आने के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि वो ब्रेक भी हो जाए। तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको बैड रिव्यू मिल सकता है आपके प्रोडक्ट पर, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप पैकेजिंग करते हो, जब भी आप सेल करते हो प्रोडक्ट को, तो पैकेजिंग आप उस पर किसी ना किसी तरीके के करिए। स्पेशली अगर कोई डेलिकेट स्क्रैच वाला अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको आप पैकेजिंग ज़रूर करिए, एटलीस्ट प्लास्टिक पैकेजिंग तो करिए ही। नंबर टू, डू द ब्रांडिंग लाइक ए बॉस। यस, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि वो प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं और उन्होंने ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अप्लाई कर दिया है, लेकिन उनका ट्रेडमार्क जो है वो अभी तक आया नहीं है, क्या वो ब्रांडिंग कर सकते हैं? यस माई फ्रेंड, यू कैन डू ब्रांडिंग लाइक ए बॉस। कैसे? लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेरी एक ब्रांडिंग की फुल वीडियो के बारे में बात करूँ तो ये वाली वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन अगर आपका
जो ट्रेडमार्क है वो इन द प्रोसेस है, तो आप ब्रांडिंग स्टिल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पर. और द वे द राइट वे टू डू ब्रांडिंग इज कि रिमूवेबल ब्रांडिंग होनी चाहिए. तो एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है. यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पे एक एम्बॉस्ड लोगो है बेसिकली, और ये प्रोडक्ट का हिस्सा है बेसिकली, और इस पर अगर हो सकता था कि प्रिंटिंग भी हो सकती थी. अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं, अगर आपका ट्रेडमार्क इन द प्रोसेस है, तो ऐसी ब्रांडिंग मत कीजिए. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्लीव, जैसे पेपर की स्लीव है उसको आप कर सकते हैं. और दूसरा क्या कर सकते हैं, हे रामू काका जरा मुझे पैकेज तो देना. Yay! So, ये अगर आप देखें ना इसको गौर से, तो ये सिर्फ एक ब्लैक प्लास्टिक बैग है और उस पर ये स्टिकर लगाया हुआ है. मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा भी नहीं था कि ये जो है वो स्टिकर है, मुझे लगा था कि ये प्लास्टिक बैग का हिस्सा होगा. तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन भी करता है ना आपके प्रोडक्ट पर ट्रेडमार्क को लेकर, तो आप बस उसको पील ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है. और दूसरा आप उसके ऊपर से स्टिकर लगा सकते हो. तो हमेशा जो अगर ब्रांडिंग भी करनी है ना आपको, तो रिमूवेबल ब्रांडिंग करनी चाहिए. नंबर थ्री, प्राइवेट लेबलिंग विद द लीस्ट अमाउंट. लीस्ट अमाउंट कैसे, मे बी 20 यूनिट्स और 25 यूनिट्स, वो कैसे कर सकते हैं. इवन मैन्युफैक्चरर से कैसे, तो अगर आपका सप्लायर जो है वो चाइना में है, और अगर आप उनसे पूछते हैं कि MOQ क्या है उनका, तो वो बोलेंगे कि 500 और 1000, राइट. लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे होते तो आपके पास में इतना बजट नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं आप, मिनिमम यूनिट्स कैसे ले सकते हैं स्पेशली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. वो ये है कि आप उनसे बोल सकते हैं कि आप अपनी खुद की ब्रांड, जो मैन्युफैक्चरर की खुद की पर्सनल ब्रांड होगी, आप वो वाली यूनिट मुझे दे सकते हैं. और हो सकता है कि वो किसी और के लिए बना रहे होंगे प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट पर उस पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं होगी. तो वो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो आपको कम यूनिट में भी दे देते हैं. ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और ये स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आपका जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई होता है. मे बी 8 और 10 डॉलर्स के यू नो आइटम्स होते हैं पर यूनिट. तो उस केस में आप हमेशा टेस्ट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि उसके मैन्युफैक्चरर के ब्रांड जो है उसके प्रोडक्ट जो है आप लीजिए. और उसके बाद आप क्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसके बाद में प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं. जैसे कि रिमेंबर, हाउ वुड यू रिमेंबर, मैंने तो बताया नहीं अभी. तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि बंडल बनाते हैं वैसे ही आप, और उसके ऊपर से पैकेजिंग करते हैं, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मंगाइए और उसके ऊपर से अपनी रीब्रांडिंग कर दीजिए. रीब्रांडिंग का मतलब उसको अपने बॉक्स में डालिए विद अपना स्टिकर एंड ऑल ऑफ दैट. अगर वही जो वीडियो मैंने पहले बताई थी ना, उस वीडियो को देखना है आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, रनिंग आउट ऑफ आइडियाज. काश, लाइक सीरियसली, जब आप नए नए होते तो आपको आइडियाज़ नहीं होते कि क्या आपको सेल करना है. और समटाइम्स जो है ना ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक मार्केट जब अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो आप देखते हैं जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च और व्हाटएवर जो भी आपके टूल्स हैं वो आप यूज़ करते हैं, और देखते हैं कि किसकी सेल ज़्यादा होती है. तो वो टूल जो है सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है. एट दैट टाइम जब भी आप सर्च करें तो वो इंडिया का ही डेटा देगा, वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि वॉट एल्स कुड बी पॉसिबल, वॉट एल्स यू कुड सेल जो कि अमेजोन पर सेल नहीं हो रहा है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजोन US, जो US का अमेजोन है या UK का अमेजोन है, उन पर जाकर आप प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं, और उसी प्रोडक्ट को आप इंडिया में सेल कर सकते हैं. और अगर आपको कम क्वांटिटी चाहिए तो जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया था उसको फॉलो कीजिए. और अगर आपको उस पर प्राइवेट लेबलिंग करनी है तो नंबर 2 वाला पॉइंट कीजिए. आई मीन ये वाली वीडियो जो है ना सीरियसली बहुत ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन से पैक्ड है. तो एक एग्जांपल जो मैं देने वाली हूँ वो ये है कि व्हेन आई वाज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, जो मेरे पास बिल्कुल आइडियाज़ नहीं थे और मैं इंडिया का अमेजोन चेक कर रही थी, तो मैंने देखा है एक योगा व्हील बैग. योगा व्हील होता है ना, उसके लिए बैग होता है. तो वो इंडिया वाले अमेजोन पर बिक रहा था, लेकिन US में कोई भी सेलर, आई मीन एट प्रेजेंट अभी
की अगर बात करूँ तो अभी भी कोई Amazon पर US का सेलर नहीं है, वो चाइनीज सेलर है। तो अभी भी बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। ये वाला आइडिया मुझे अपने लिए रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको जस्ट फ्रीली दे रही हूँ। तो दिस इज़ द वे, आप रिसर्च करते हो US Amazon से, UK Amazon से, आप आइडियाज़ लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए इंडियन Amazon और इंडियन मार्केट में। भी आपकी खुद की साइट है तो वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई मीन सीरियसली शेयर दिस वीडियो अगर जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन सेलिंग में उसके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए थम्स अप, एंड मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट हफ्ते। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।